हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नई टॉपिक के साथ मैं आफरीन खान। आज मैं आपको कुछ ऐसे पौधे दिखाऊंगी फ्रेंड, जो बहुत ही कम देखभाल में चलने वाले होते हैं, और एक तरह से कह ले वो आते तो आपकी मर्ज़ी से है, लेकिन वो जाते हैं अपनी मर्ज़ी से। ऐसे पौधे होते हैं, वो सारे इंडोर प्लांट होते हैं, लेकिन आप आउटडोर में भी रखेंगे तो बहुत अच्छे से ही चलेगा फ्रेंड। और ये गलाडिया का प्लांट है, बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला प्लांट है, और साल भर इसमें ऐसे ही फूल आते रहते हैं फ्रेंड। तो आप भी ज़रूर इस पौधे को अपने घर पर लगाएं। सीड से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, मैंने इसे सीड से ही ग्रो किया था, और एक बड़े से पॉट में है, बहुत अच्छे से चल रहा है फ्रेंड। छोटे से कंटेनर में भी बहुत अच्छे से चलता है ये। ये पहला पौधा है फ्रेंड, ये वैंडरिंग का प्लांट है, और मैंने इसमें इस पॉट में इसे लगाया भी नहीं था। इसमें तो ये एक्जोरा का प्लांट था फ्रेंड, लेकिन इसमें ही इसकी छोटी सी कटिंग थी, और उससे ही इतना ज़्यादा ये बुसी सा बन गया। आप देख सकते हैं किस हद तक इसकी ग्रोथ हो गई है, और इसकी प्रोपोगेशन भी बहुत आसानी से होती है। अगर आप ये नीचे जो बेल लटकते रहते हैं उसे सिर्फ मिट्टी में रखेंगे, तो इसके पत्ते के नीचे से यहाँ पर रूट आता है फ्रेंड, तो वहीं से एक नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। वैंडरिंग के प्लांट को अगर आप छाई वाली जगह में रखते हैं तो इसका कलर ऐसा रहता है फ्रेंड, थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा, और अगर आप इसे एकदम से धूप में रखते हैं तो इसका कलर ऐसा हो जाता है लाल कलर का, यानी थोड़ा ज़्यादा रेड सा, लेकिन बहुत ही कम देखभाल में चलता है। अगर ये आप एक बार इसे लेके आते हैं तो फ्रेंड ये आपके घर से कभी नहीं जाएगा। एकदम से ये छोटे से कंटेनर में लगा हुआ है फ्रेंड, और कितना ज़्यादा बुसी सा हो गया है आप देखेंगे। एक प्लास्टिक के डब्बे में लगा हुआ है ये, मैं दिखा भी नहीं पा रही हूँ फ्रेंड, इस तरीके से ये एकदम से कवर कर लिया है ये डब्बे को। वेस्ट कंटेनर है ये यहाँ पे, और वेस्ट कंटेनर दिख भी नहीं रहा है कि ये वेस्ट कंटेनर है। बहुत ही अच्छा ग्रो करता है, बहुत कम देखभाल में चलता है, आप ज़रूर इस पौधे को लगाएं फ्रेंड। यहाँ पे सारे पौधे आपको दिख जाएंगे फ्रेंड, जैसे कि ये है टैंगल हार्ड, देख सकते हैं कितनी ख़राब कंडीशन भी हो गई है इसके नीचे से धूप लग के, और यहाँ पे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। तो बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला होता है फ्रेंड, कोई भी कंटेनर हो, छोटा हो बड़ा हो, ये बहुत आसानी से ग्रो करता है। और यहाँ पे फ्रेंड ये बेबी सन रोज़ का, ये लाइट पिंक है, ये डार्क पिंक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत इजीली ग्रो करता है। अगर इतनी सी भी कटिंग हम यहाँ से कट करके किसी मिट्टी में सिर्फ ऐसे ही दबा देते हैं तो वहीं पे नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और ये टर्टल वाइन, इसका भी देख सकते हैं कहीं भी निकल जाता है फ्रेंड। टर्टल वाइन का प्लांट इनको खाने के लिए बहुत पसंद है, और मैंने इसमें लगाया भी नहीं था, इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मुझे इसे निकालना पड़ेगा क्योंकि इस रोज़ प्लांट की केयर मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं इन सबको क्लीन कर दूँगी फ्रेंड यहाँ से, और इनको तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है, वो खाते भी हैं इसे, बहुत ज़्यादा पसंद करके खाते हैं आप देख सकते हैं। और यहाँ पे है कुछ टर्टल वाइन यहाँ पे फ्रेंड, ये ऑयल कैन में, तो इसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं है क्योंकि ये समर का प्लांट होता है, तो अभी विंटर आ रहा है तो इसकी ग्रोथ ऐसी रुक जाती है और कुछ ख़राब सा हो जाता है प्लांट। और नेक्स्ट ईयर जब इसका सीज़न फिर से आएगा टर्टल वाइन का, तो फिर ये यहीं से बहुत अच्छे से ग्रो करने लगेंगे, और छोटी सी छोटी कटिंग इसकी भी वैसी चल जाती है फ्रेंड, जैसे कि वैंडरिंग का चलता है। तो ये एक इस तरीके का पौधा होता है फ्रेंड कि आप लाते तो अपनी मर्ज़ी से है, लेकिन ये आपके घर से जाएंगे अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि अगर छोटा सा पीस भी कहीं पे भी गिर जाता है फ्रेंड तो वहीं पे नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है इनकी। और यहाँ पे है फ्रेंड ये कलंचों का प्लांट, इसके नीचे ये टेंगल हार्ट की छोटी सी कटिंग गिर गई थी फ्रेंड, और यहीं पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे है फ्रेंड ये पर्पल टर्टल वाइन, ये भी सेम वैसे ही होता है फ्रेंड, अगर आप एक बार लाते हैं तो आपके घर से कभी नहीं जाएगा जब तक वो नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला प्लांट होता है, और ऐसे ही चलते रहता है बिना कोई खाद, बिना कोई फर्टिलाइज़र के, बहुत ही कम देखभाल में। तो आप भी ज़रूर लगाएं इन पौधों को फ्रेंड। फिर ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।